दोस्त, आज से तुम ठान लो कि मैं दिन के 15-15 घंटे 16-16 घंटे स्टडी करूंगा। मैं लगातार स्टडी करता रहूंगा जब तक सपने ना पूरे हो जाएं, जब तक मंजिल ना मिल जाए। अरे जब इरादा ही है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना ऊंचे आसमान का। दोस्त, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना ही किस काम का। जानता हूं कि आसान नहीं है इस राह पर चलना, लेकिन तुम नींदों को देखकर कहीं मत रुकना। बस चलते रहना, बस चलते रहना। आज नहीं तो कल तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। बच्चे जो फेल हो जाते हैं दोस्तों, हो सकता है आपके अच्छे नंबर नहीं आए, हो सकता है आप किसी और बात के लिए बने हो, उस अपने ऊपर भरोसा रखना। और कभी आप देखिए हमारे देश में कितनी आत्महत्याएं होती हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे फेल हो गए, वो हैंडल नहीं कर पाते। ये माँ बाप की कहीं ना कहीं फेलियर। अपने बच्चों को बोलिए बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, उनके साथ खड़ा होइए और बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि माँ बाप का बुरे वक्त में साथ दे सके। वो तभी देंगे जब अच्छा इंसान बनाओगे। याद रखना, बुढ़ापे में वो बच्चे अक्सर साथ रहते हैं जो भले ही ज्यादा ना पढ़े हो, लेकिन जिनकी मॉरल वैल्यूज, जिनके संस्कार अच्छे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को जल्द से जल्द कार मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना। कुछ ना करने वाले भी सब कुछ करने लग जाते हैं, और माँ बाप की कितनी याद आती है ना, ये उनसे पूछना जो घर छोड़कर पढ़ने जाते हैं। घर पे 9-10 बजे भी सोते थे ना, तो माँ सुबह उठा देना वाली आवाज लगाते थे, और अब 2 बजे भी सोना हो ना तो 10 अलार्म लगा कर सो जाते हैं। घर पे दोपहर में भी माँ भूखे पेट बाहर नहीं जाने देती थी, और अब सुबह सुबह ही खाली पेट निकल जाते हैं।